किसी बैटरी के और बिना किसी मोटर के चल रही है, फ्री एनर्जी जनरेटर है और इससे आपकी साइकिल पे कोई लोड नहीं आने वाला है, मतलब जो हार्ड वगैरह चलती है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इस लाइट से या इस सिस्टम से। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। तो गाइस सबसे पहले आपको रिले लेना है, आप अलग अलग टाइप के रिले यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये वाला रिले लिया है और देखिए इसे बाहर से कट कर दिया है, और क्योंकि हमें इसके अंदर की कोइल चाहिए तो इसलिए हम इस कोइल को ही बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा हटा दी थी और सिर्फ कोइल हमने रखी है। और सेकंड में गाइस हमारी ये मैग्नेट्स जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ की थी। तो अगर आपको ये बाय करनी है अमेज़ोन पे से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको ये मैग्नेट मिल जाएगी ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे से। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट्स हैं, नियोडियम मैग्नेट्स इनका नाम है, और ये इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। तो देखिए गाइस ये एक स्टेबलाइजर का रिले है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर इसे ही यूज़ करना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसकी कोइल भी मोटी है, तो उससे क्या होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा जनरेट होगी। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ये एक पत्ती पे फिट हुआ है तो इसे फिट करने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। तो देखिए ये दोनों हैं, देखिए इसका रिले कितना मोटा है और इसका जो इसकी जो कोइल है वो बहुत ज़्यादा मोटी है और इसकी पतली है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये मोटे वाली जनरेट करेगी। तो और इसे फिट करना भी आसान है इसलिए हम इस वाले को ही यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पत्ती पे फिट है और इससे हमें फिट करने में आसानी पड़ने वाली है बहुत, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो इसे फिट करने में मुश्किल होगी, तो इसलिए हम इस वाले को यूज़ में नहीं लाने वाले हैं। और सबसे पहले हम इस कोइल को अलग कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली कोइल अलग हुई है। तो देखिए इसे अलग करने के लिए सबसे पहले हमें ये हटा लेते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। तो देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें हमने हटा ली और ये पीछे दो स्क्रू हैं इन्हें खोल लेते हैं। तो देखिए गाइज इन तारों को आपको सावधानी से हटाना है क्योंकि गाइज यही दो मेन तार हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, तो ये तार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज ये हमारी पत्ती टाइप है, इसकी मदद से ही हम इसे अपनी साइकिल में फिट करने वाले हैं क्योंकि इसमें होल वगैरह हैं, तो फिट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है इसकी मदद से। और देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है तो ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। और देखिए इस तरीके से मैंने ये मोड़ लिया है, वो आपको जब मोड़नी है जब आप इसे साइकिल में लगा दोगे। तो गाइज मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि इसे किस तरीके से फिट करना है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ एक स्क्रू चाहिए हमें जो कि आपकी साइकिल में ऑलरेडी होता है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, और इसकी मदद से आप इसे साइकिल में इजिली फिट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज ये हम इस साइकिल में फिट करने वाले हैं, और कहाँ पर करने वाले हैं गाइज, जहाँ पर हमारे पावर ब्रेक लगे होते हैं। अगर आपका ब्रेक लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर आप इसे आसानी से फिट कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से आपको ब्रेक के ऊपर ये स्क्रू लगा देना है खोलने के बाद, और ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और देखिए मैंने फिट कर दिया, बस इसे थोड़ा सा टाइट करना है एल की मदद से। तो ये हमारे पास एक छोटी सी टूल किट है और इससे हम इसे टाइट करने वाले हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस टूल किट का, अगर आप बाय करना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा इसमें टूल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है आपके, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़ बाय कर लीजिए इसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखिए इस तरीके से फिट हो चुका है, काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से फिट हुआ है। अब क्या करना है, हमें मैग्नेट लेनी है, और गाइस मैग्नेट का एक पोल सामने की तरफ होना चाहिए, यानी सारी मैग्नेट का पोल जो साउथ वाला है वो सामने की तरफ या नॉर्थ वाला सामने की तरफ रखना है आपको सबका। और इस तरीके से आपको ये यहाँ पे लगानी है, देखिए यहाँ पे तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है कोइल, तो बिल्कुल कोइल का जो बीच का लोहा है उसके सामने रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लगानी है। अब क्या करना है, हमें इससे किसी चीज़ से चिपकाना पड़ेगा क्योंकि ये एल्युमिनियम का रिंग है और एल्युमिनियम पे मैग्नेट नहीं चिपकती है, तो इसलिए फेविक्विक का इस्तेमाल करूँगा। ये छोटी सी सुपर ग्लू की बोतल है मेरे पास और इससे ही मैं इस मैग्नेट को चिपकाने वाला हूँ। तो चलिए मैग्नेट को बाहर निकालते हैं और इस पे मैं एक ड्रॉप डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाली और अब मैं इसे इस तरीके से
पेस्ट कर दूंगा। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगी। और गाइज प्लीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड विद पूजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो एक बार ज़रूर आप सपोर्ट दिखाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अब गाइज हमने क्या किया है, सारी मैग्नेट चिपका दी हैं, 6 मैग्नेट थे हमारे पास, तो एक मैग्नेट हमने यहाँ लगाई है और फिर 6 स्पोक का गैप दिया है और फिर एक मैग्नेट लगाई है, फिर 6 का गैप और फिर एक मैग्नेट। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी मैग्नेट लगा दी है पूरे रिम पे और इन्हें फेविक्विक से अच्छे से चिपका दिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चिपक भी गई हैं ये मैग्नेट्स। तो मैग्नेट हमने बिल्कुल कोयल के सामने रखी है और इस तरीके से सारी मैग्नेट लगी हुई है। और देखिए जब भी ये मैग्नेट कोयल के सामने से निकलेगी और जो मैग्नेटिज्म है वो कोयल के अंदर से जाएगी और हमारी जो है कोयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये लाइट ली है हमने, तो ये साइकिल के पीछे लगी आती है। अगर नहीं है तो आपको ये साइकिल की शॉप पे मिल जाएगी 30 या 40 रुपए की, या 25 की मिल सकती है, 20 की मिल सकती है। और इसके अंदर हमने क्या किया, इसे खोल के इसके अंदर एक लाइट लगा दी है 2 वाट की और उसमें से 2 वायर बाहर निकाल दिए हैं जिससे हम इसका कनेक्शन कोयल के साथ कर सकें। छोटा सा वायर है, कोयल के पास आसानी से पहुँच जाएगा। और अब इसे हम साइकिल में फिट करते हैं और यहाँ पर हमें इसके तार जोड़ने हैं, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो अभी मैं स्क्रू वगैरह तो यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए बस इसे ऐसे ही हल्का सा लगा देंगे और टाइट भी है, बस अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही फिट करने वाला हूँ। और इसका वायर जो है आप अच्छे से फिक्स कर सकते हो, पर अभी मैं इस वायर को ऐसे ही रफली लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इस वायर को निकाल दिया है और जहाँ से ब्रेक का वायर जाता है इस होल में से मैं इसे पास कर दे रहा हूँ वायर को, और देखिए अच्छे से लग भी गया है। अब क्या करेंगे, इसका कनेक्शन कर देंगे कोयल के साथ। तो पहले तो आपको रेड रेड में लगाना है और ब्लैक ब्लैक में, अगर नहीं जलती है लाइट तो एक बार वायर पलट के भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैग्नेट के सारे पोल एक तरफ ही रखने हैं आपको, नहीं तो क्या होगा, अगर आप साइकिल उल्टी भी चलाओगे ना तो भी लाइट जलने वाली, लाइट जलेगी अगर तार उल्टे हैं तो, लेकिन अगर आप पोल सारे एक तरफ रखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि सारे मैग्नेट करंट फ्लो करवाएंगे, अगर उल्टा लग गया मैग्नेट तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों वायर हमने लगा दिए हैं, बस कनेक्शन हो ही चुका है, इतना हार्ड कनेक्शन था ही नहीं, बस डायरेक्ट वायर लगाने थे कोयल में। और अब देखिए लाइट किस तरीके से जल रही है, मैग्नेट और कोयल जितने ज़्यादा पास रहेंगे उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है, यह मैं बात आपको बता दे रहा हूँ। तो मैग्नेट गाइज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर आपको कहीं और से मिल जाती है, हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर भी होती है मैग्नेट, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए लाइट जल रही है, अब रात को देखेंगे कि ये लाइट किस तरीके से जलती है, अभी दिन में तो इतना पता नहीं चल रहा है। तो गाइज टेस्टिंग का टाइम आ गया है और रात को इसे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी रोडियो और ये लाइट हमने अपनी साइकिल में फिट करी दी है और यहाँ पे हमारी कोयल लगी हुई है और ये हमारी लाइट। गाइज इस लाइट के मैं बेनिफिट्स आपको बता दूँ कि गाइज देखिए मैग्नेट और कोयल दूर दूर हैं तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो जैसे ही आप साइकिल चलाओगे आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाली है, साइकिल बिल्कुल नॉर्मली उसका व्हील रोटेट करेगा जैसा कि आप बिना किसी लोड के घूमता है, तो आपको कोई भी हार्डनेस महसूस नहीं होगी अगर आप साइकिल को चलाओगे। और देखिए मैं साइकिल चला रहा हूँ और ये देखते हैं कि कितनी स्पीड पे ये लाइट जलने वाली है। तो गाइज मैग्नेट पावरफुल होने की वजह से क्या है कि लाइट जो है वो कम स्पीड में जल रही है, अगर हम मोटर यूज़ करते तो हमें तेज चलानी पड़ती क्योंकि उसमें लो क्वालिटी की मैग्नेट्स यूज़ हुई होती हैं। तो देखिए कितनी कम स्पीड पे ही ये लाइट जल रही है। गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि गाइज ये बिल्कुल प्योर फ्री इलेक्ट्रिसिटी है और इसमें ना तो किसी बैटरी का यूज़ हुआ है, ना ही किसी सोलर पैनल का, तो ना ही आपको धूप की ज़रूरत, ना ही चार्ज और डिस्चार्ज की टेंशन, और साइकिल हार्ड भी नहीं चलेगी,
तो काफी अच्छी लाइट्स है ये, और परमानेंटली आप इसे फिट करके भूल सकते हैं। गाइज ये चीज हमेशा काम करेगी विदाउट एनी टेंशन। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।